उन्नाव में डिप्थीरिया बीमारी का कहर फैलता जा रहा है। बीमारी की चपेट में 10 बच्चे हैं। बता दें कि सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है और डिप्थीरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में डिप्थीरिया वार्ड बनाया गया है। तो बीमारी की चपेट में 10 बच्चे हैं। डिप्थीरिया बीमारी जो कि लगातार बढ़ती जा रही है और सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। डिप्थीरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। ललितपुर के मेहरौनी में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। वहीं बात करें उन्नाव में डिप्थीरिया का कहर जारी है, जहां एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 10 बच्चे डिप्थीरिया की चपेट में आ गए हैं। उन्नाव में 5 बच्चों की मौत हो गई है तो 36 बच्चे गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बहुत गंदगी फैली हुई है और इस वजह से बीमारी फैल रही है। हैंडपंप के पास नाली व कचरा के ढेर होने से हैंडपंप का गंदा पानी भरा हुआ है। तो देखिए डिप्थीरिया का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बच्चे इसकी जद में हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपनी जान गंवा बैठे हैं। ललितपुर के मेहरौनी में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ललितपुर और उन्नाव की ये तस्वीर है, जहां पर 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार है। बता दें कि एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 10 बच्चे इसकी चपेट में आए हैं। उल्टी दस्त हो रहा है। अच्छा उल्टी दस्त हो रहे हैं। ठीक हो रहा है कि गांव में और भी लोगों को? सब लोगों को हो रहा है, वैसे इन्हीं को हो रहा है। अच्छा सब लोगों को हो रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। 3 लोग खत्म हो गए, 2 दिन में 3 बच्चा खत्म हो गए। अच्छा प्रशासनिक अधिकारी DM यहाँ पर कोई अभी आपके गाँव पहुँचे थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं दी कि इनको काय रोग से लपेटा। अच्छा किसी को कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं दी उनने। सर कुछ नहीं, उसे नीचे लिटा दिया था और बस बूतल चढ़ा था, कबूतर गई तो तीरथ फिर रही हुए कबूतर की चलो पूरी से पूछ नहीं हुए। अभी कहाँ हुआ? मेहरौनी अस्पताल में। ललितपुर अस्पताल में इलाज नहीं मिला? नहीं सर, आराम ही नहीं मिल रहा था सर, बूतल लगा जा रहा थी। परेशान हुआ क्या रास्ते में, उल्टी है परेशान और अभी ऐसी हुआ, दवाई हुई गई तो बोतल लगाया तो लगा ही नहीं है, आराम नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ इलाज करवा चुके हैं? मेहरौनी में।